तो कोई गैंग बना रहा है क्या? नहीं यार, मैं तो कुछ नहीं बना रहा। हाँ यार बताओ यार। तुम बताओ क्या सीन। यार देखो, उस दिन जो सीन था, जो भी हुआ है, ठीक है, लास्ट टाइम जब हमारी मुलाकात हुई थी, उसके यप पहले तुम्हारे बंदे को मैंने एक फोन किया था, ठीक है, समझ गया। और उस बंदे को और मैंने भाई बोली थी एक बात कि भाई चीज़ें बहुत बढ़ चुकी हैं, एंड द नेक्स्ट स्टेप वी टेक उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि भाई अभी तक हमने मार दिया, तुमने मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, चल रहा है, लेकिन कल को अगर स्ट्रीट्स पे कोई मरता है तो सबका, मतलब अपने बंदों का भी और दूसरे वाले के बंदों का भी हाथ उसमें होगा भाई, नुकसान तो है ही ना, बट एंड खून दोनों तरफ सबके हाथों पे होगा ब्रो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द साइड हु विंस और द साइड हु टेक्स डिफिकल्ट। द फकिंग बुलेट, ठीक है। तो कॉल में मैंने ये बात बोली थी, अब मुझे पता नहीं कि तुम तक वो बात पहुंची या नहीं पहुंची, जो भी सीन था, बट उसके बाद जो हुआ हुआ। तो बात मैं ये बोलूंगा भाई, आई स्टिल वॉन्ट थिंग्स टू एंड, क्योंकि भाई आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉइंट कि इससे आगे चीजें बढ़े। यार देख, तेरे को भी उस दिन मीटिंग में जब हम लोगों ने डाउन करके फिर उसके बाद हम लोगों ने जब मीटिंग करी, तेरे को भी हमारी नीयत तो साफ पता चली गई होगी उस टाइम पे। मैं क्या कह रहा था कि तू अभी बता दे एंड लेट्स एंड इट, है ना। बट यू आर नॉट श्योर क्योंकि तेरे बॉयज के भी ओपिनियंस मैटर करते होंगे तेरे लिए, राइट। इसलिए तो बस मेरा यही कहना था उस दिन भी, मैं इसलिए यही कहता था कि तू अभी जवाब दे दे, क्योंकि मैं चाहता था कि यार इट्स लाइक के फायदा क्या है, नुकसान ही है, सामान का नुकसान है, खून बहेगा और लाइक एट द एंड टाइम वेस्ट होगा हम लोगों का, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे अगर आएगी तो अगर समझ ले हम ऑन स्ट्रीट भी भिड़ जाते, तुम्हारे बंदे होते हमारे बंदे होते, पीड़ी आ जाती तो क्या पता हम लोग हमेशा के लिए जेल चले जाते हैं। वही तो, ये कुछ भी हो हमारा सकता है भाई। गुस्सा, हमारा ये जो भी सर पे जो खून सवार था एक दूसरों को लोके, बट उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा पुलिस को हो जाता, एक दो बंदे बच जाते, बाकी सब बंदे पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती। बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है, ना कोई वकील हमारा दोस्त है और ना कोई गॉडफादर है हमारे सर पे जो हमें बचाने के लिए जेल तोड़ के आएगा, या कोई मूवी तो चल नहीं रही। करेक्ट। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि चीजें अच्छी नोट पे एंड हो, ना कोई लाइक तुम्हारी तरफ से कोई हीट हो ना हमारी तरफ से, और लाइक शांति से रहते हैं मिल बांट के। कुछ तुम्हें मदद लगे तो हमें बताना, हम कुछ मदद कर पाए उस लायक तो हम कर देंगे, तुम कर देना जब जरूरत लगे, और इसे करेक्ट है। खत्म करते हैं। तो हमारी तरफ से जो भी हुआ उसे हम हमारी तरफ से एंड करते हैं, जो भी गलती हुई या जो भी था गुस्सा या कुछ भी, तो यू आर सॉरी फॉर दैट। आई कंप्लीटली अप्रिशिएटेड, और जो हमारी साइड से था वो तो मैंने उस दिन कह ही दिया था, बट आई कैन अश्योर यू कि हमारी साइड से अब ये चीज़ें कंटिन्यू नहीं होंगी इन फ्यूचर। नहीं अगर देख एंड असल ऐसा हो भी जाता है जीवा, लाइक किसी से मुंहचोदी हो जाती है आपस में, तो एक बार बात करेंगे। और मैं तो बोलूंगा बात भी नहीं करेंगे, लाइक जो भाई, दो क्योंकि इस बंदे बार लड़ते हैं। कम्युनिकेशन बहुत वीक था भाई नहीं मेरे नहीं हिसाब से, कुछ भी वही होता है तो कम्युनिकेट करेंगे भाई पहले। वही मैं नहीं नहीं अगर मैं तो ये बोलूंगा लेट्स गो ऑन द मैच्योर साइड। अगर समझ ले पीछे एंड्रो और तेरी मुंहचोदी हो जाती है, लेट यू बोथ गाइज डिसाइड के बात करके सॉर्ट करो। तुम लाइक लाइक सबकी मैच्योरिटी पता चल जाएगी कि भाई आपस में दो लोग मिलके ही सॉर्ट क्यों नहीं कर लेते। हम ग्रुप की जरूरत नहीं है क्योंकि देख भाई इंडिया तो है नहीं, है ना, मोर्चा खड़ा कर दिया कोई कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ तो चार लोगों से ज्यादा पीढ़ी देख लेती है और लोग के पूछ लेती है भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो, है ना, वही करेक्ट करेक्ट। अलग अलग हो जाओ। क्योंकि यहाँ पे तो रूल है कि भाई ज्यादा चार से ज्यादा लोग इकट्ठा होने नहीं देते हैं, क्योंकि कुछ भी हो जाता है तो बड़ा उनके लिए नहीं, हो यहाँ तो जाता है बहुत मैटर पहले के से ये हैंडल सब करना। शूट आउट से, नहीं ये सब बहुत यप, कॉमन बहुत कॉमन चीज है इन लोगों के लिए है। है। तो वही है कि दो लोग आपस में ही बात करें और कम्युनिकेशन इज द की। लाइक वो बात कर लेंगे एग्जैक्ट एग्जैक्ट जो बंदा है वो बंदा भी होगा तभी बात करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरा कुछ गुस्सा निकल जाए या मेरा कुछ गुस्सा निकल जाए किसी और चीज को लेके, फिर एक और पॉइंट ना बने, है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं तो डे वन तो पे भी ब्रो बात यही कह रहा था करेंगे। यार कि अरमान का बात है वो बात करें, बट ठीक है, जो हुआ हुआ, फक अब दैट। हो गया यार, अब उस पे पीछे जाके ना तू कुछ बदल सकता है ना मैं कुछ कुछ, पॉइंट नहीं है उसके ऊपर डिस्कस करने का। बट कुछ कर सकते हैं वो एक नई शुरुआत। रेस्टार्ट करते हैं ब्रो।
बाकी तुम्हें यप कुछ हेल्प चाहिए मुझे बताना, मेरे को कुछ चाहिए तो मैं बताऊंगा, ठीक है? डन 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 एंड ठीक है भाई, जो हुआ ठीक है, एटलीस्ट वी गॉट टू नो। मैंने सुना है भाई कि पुराने जमाने में ना भाई वॉरियर ऐसे एक दूसरे को जानते थे, भैंचोद लड़के तो हाँ, ताकि इसको पता वैसा ही चले समझ लो ना भाई कि हाँ वैसा किसमें कुछ लोहा हम लोग लेने भी का दम कर है लो हाँ वो वाली बात है ब्रो लोहा लेने का तो दम है, लड़े लग गए।